आज क्लास 12 में पढ़ाने जा रहे हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या है, जिसको जो बोलते हैं प्रसव। बच्चों इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी प्रसव और दुग्ध श्रवण। लास्ट में क्या होगा, डिलीवरी जब कंप्लीट हो जाती है यानी प्रसव पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गर्भकाल। गर्भकाल बच्चों 9 महीने का होता है मनुष्यों में। तो माँ के अंदर जो भ्रूण है वो 9 महीने तक डेवलप होता है और विकसित होता है। 9 महीने के बाद वो बच्चा फिर बाहर आता है यानी उसका जन्म होता है। तो 9 महीने से 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है 9 मंथ और प्लस, ये लिखा है प्लस माइनस 7 डेज, प्लस माइनस 7 डेज यानी 7 डेज पहले भी डिलीवरी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो बच्चों होता क्या है, जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है गर्भकाल, तो क्या होता है, एक मैसेज जाता है ब्रेन को, मस्तिष्क को एक मैसेज जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो होता क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथ है, खासकर जो पिट्यूटरी ग्रंथ है उसमें से हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है जो क्या करता है कि प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। जब 9 महीने हो जाते हैं तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी, और ये कब होगी, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कार्य करेगा। तो जब डिलीवरी का पीरियड चलता होता है बच्चों, जब प्रसव का कार्यकाल चलता है 9 महीने का, उस समय जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल हाई होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर लिखा है प्रोजेस्टेरॉन लो और ऑक्सीटोसिन हाई। तो डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है, तब जाकर के क्या होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर एक लिखा है रिलैक्सिन, एक हार्मोन्स और होता है बच्चों रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कहाँ से स्रावित होता है, प्लेसेंटा से, यानी यह लिखा नीचे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो आंवल होता है जिससे बच्चा कनेक्ट होता है, उसकी नाभि कनेक्ट होगी माँ के गर्भाशय से, प्लेसेंटा और बच्चा जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा से एक रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन के साथ में एक HCG हार्मोन्स भी स्रावित होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय ही उसमें स्रावित होता है। उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी की जांच होती है यानी यूरिन से मूत्र से में वो आ जाता है, और इससे मालूम होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं। HCG हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स जो हैं प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये पश्च पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथ का जो पश्च वाला भाग है, लास्ट वाला भाग, उससे स्रावित होता है। तो बच्चों जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय की दीवार पर क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो गर्भाशय की दीवारें संकुचित होती हैं, इस प्रकार से संकुचित होती हैं, और नीचे की तरफ जो है वो मांसपेशियां धक्का लगाती हैं। प्रेशर जो संकुचन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और फिर क्या होगा, जो गर्भाशय की जितनी भी दीवार होती है वो बहुत तेज़ी से इस प्रकार से संकुचन होता है। अगर ऑक्सीटोसिन कम है तो संकुचन की प्रक्रिया नहीं होगी या कम होगी, तभी देखा होगा फिर ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराते हैं, ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। तो होता क्या है, पहले तो इंजेक्शन लगाते हैं इस ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। इस ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने पर प्रसव पीड़ा तीव्र हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये तो था बच्चों ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन जब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो गर्भाशय जो दीवार है अंदर की उनको संकुचित करता है, प्रेशर डालता है, और रिलैक्सिन क्या करता है, वो फैलाता है यानी रिलैक्सेशन करता है योनि मार्ग को, योनि मार्ग को फैलाने का कार्य करता है। और क्या होता है, जो श्रोणिमेखला होती है महिलाओं की, जो कमर है, कमर को श्रोणिमेखला कहते हैं। श्रोणिमेखला में एक प्यूबिस सिम्फाइसिस पार्ट्स होता है और प्यूबिस सिम्फाइसिस को फैला देता है, यानी उधर बच्चा जो है उधर संकुचित होकर के बाहर निकलने के लिए रेडी होता है। और उसके साथ में क्या होता है, योनि मार्ग भी, उसका योनि मार्ग का डायमीटर यानी उसका भी व्यास क्षेत्रफल भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो रिलैक्सिंग क्या करता है, योनि मार्ग को फैला देता है। क्या फैलेगा, जब श्रोणिमेखला की प्यूबिस सिम्फाइसिस में प्रसार होगा, फैलेगी, तो योनि मार्ग भी फैल जाएगा, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है।
तो ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। पहले ऑक्सीटोसिन कार्य करता है, संकुचन करता है, गर्भाशय की दीवार पर प्रेशर डालता है, और फिर रिलैक्सिन साथ में कार्य करता है, योनि मार्ग को फैला देता है और इजली इसे बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चों थ्री स्टेप हैं, यानी पुरुषों में तीन स्टेप हैं, यानी तीन चरण हैं। पहला है डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल। डायलेशन क्या है? प्रसारण। अभी जो हम बता रहे थे कि गर्भाशय की दीवार क्या होगी, फैल जाएगी और यौन मार्ग भी फैलेगा। ये डायलेशन क्या होता है? 6 से 12 घंटे का होता है, 6 घंटे से लेकर 12 घंटे, यानी जो प्रसव पीड़ा होगी वो 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक हो सकती है। और खासकर फर्स्ट डिलीवरी जो होती है, पहली बार जब बच्चा पैदा होता है माँ से, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में डायलेशन का टाइम कम हो जाता है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में करीबन 12 घंटे का होता है। इस स्टेज में यानी प्रसारण स्टेज में क्या होता है बच्चों, एक द्रव भरा होता है जो गर्भाशय की झिल्लियों में द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव, वो लीकेज हो जाता है। यानी जब झिल्ली फटती है तो वो द्रव लीकेज हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। अगला है एक्सपल्सन। एक्सपल्सन मतलब आउट, यानी बच्चा जो है बाहर निकलेगा, योनि मार्ग के बाहर आएगा। इसका टाइम होता है 2 से 3 मिनट का, 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट का होता है। 2 या 3 मिनट में बच्चा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से पहले डायलेशन होता है, प्रसारण, इस पर जो है हार्मोन्स जब कार्य करते हैं, फिर होता है एक्सपल्सन, बच्चा बाहर आता है। तीसरा है प्लेसेंटल। प्लेसेंटल स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा की जो कनेक्शन है, जो माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ से डिसकनेक्ट हो जाता है और फिर बच्चा बाहर आता है। तो प्लेसेंटा टूट करके बाहर निकलता है और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा उसकी नाड़ी को काट दिया जाता है, और उसके लगभग 1 घंटे के बाद बाहर की जो अंदर की जितनी भी झिल्लियाँ हैं, बेकार की झिल्लियाँ हैं, जो गर्भाशय झिल्लियाँ थी, वो फिर बाहर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये था प्रसव के बारे में मैंने बताया कि प्रसव कैसे कैसे होता है। अब नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब दुग्ध श्रावण। बच्चों दुग्ध श्रावण कब होगा? जब प्रसव हो जाएगा, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, दुग्ध का श्रावण होता है। 9 महीने तक जब गर्भकाल होता है, उस समय क्या होता है, दुग्ध का निर्माण धीरे धीरे होता है और कोशिकाएं कार्य करती हैं। तो यहाँ पर लिखा है आफ्टर डिलीवरी एस्ट्रोजेंस लो एंड प्रोलैक्टिन हाई। एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स क्या होता है, डिलीवरी के बाद कम हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। जब गर्भकाल चलता है 9 महीने तक, तब एस्ट्रोजेंस हाई लेवल में होता है, उस समय दुग्ध का निर्माण होता रहता है धीरे धीरे। लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगी तो एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स लो हो जाएगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हाई हो जाएगा, जिससे दूध का श्रावण होगा। यानी डिलीवरी के बाद शिशु को दूध पीना है तो प्रोलैक्टिन का हार्मोन्स कार्य करेगा, और इसमें क्या होता है, केसिन एंड लैक्ट एल्बम एल्ब्यूमिन्स। केसिन और लैक्ट एल्ब्यूमिन्स ये प्रोटीन्स होती हैं जो माँ के दूध में उपस्थित होंगी। दूध की प्रोटीन को केसिन कहते हैं। और क्या बच्चों, फर्स्ट फीडिंग कंपलसरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम एंटीबॉडी इन मिल्क। तो क्या होता है, पहला माँ का पीला और गाढ़ा दूध जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद स्तन ग्रंथियों से एक दूध निकलता है, पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉम एंटीबॉडी की मात्रा पाई जाती है। तो ये दूध पिलाने से, बच्चे को फीडिंग कराने से, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और फिर बच्चे को जल्दी से बीमारियां कोई नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से दुग्ध का श्रावण कैसे होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो ये था बच्चों पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें मैंने बताया कि प्रसव कैसे होता है, यानी बच्चा कैसे पैदा होता है, और फिर दुग्ध का श्रावण यानी दुग्ध का निर्माण, और दुग्ध का श्रावण यानी एक्सक्रीशन ऑफ द मिल्क कैसे होता है, तो ये मैंने आपको बताया है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।